आप बात करेंगे कर्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से जैसे एक्सेप्शन बताए थे, क्योंकि पीएल सीक्वल सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्सर क्या होते हैं, सबसे पहले किस पर्पस के लिए यूज में आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनके एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन इनमें हैंडल होते हैं, ठीक है। सिस्टम डिफाइंड कर्सर कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड कर्सर कौन से होते हैं, पैरामीटराइज कौन से होते हैं, बहुत सारी चीजें इसी सेशन में, इसी वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपने, कोई डाउट होगा मुझसे कनेक्ट करोगे, फास्ट वे में मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, बस आपने समझना है, कोई डाउट हो तो मुझे रोक देना। कर्सर होते हैं मेरे, पहले कर्सर का यूज समझते हैं, कर्सर किस पर्पज के लिए यूज में आते हैं, और कर्सर से भी एक कदम पीछे चलते हैं लूप पर। लूप की एक्चुअल रिक्वायरमेंट सभी को याद है कि नहीं याद है, कि अगर कोई काम मुझे मल्टीपल टाइम्स करना है तब तक जब तक कि मेरी वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तो मैं एक लूप चलाता हूं, ठीक है। तो अभी तक मैं लूप किस पर चला रहा था, आपने देखा होगा मैं ओपनली लूप चला रहा था, या तो अपना ओपन लूप चला रहा था कि लूप लिख के एंड लूप लिख रहा था, या न्यूमेरिक लूप चला रहा था कि यहां से लेके 1 से लेके 10 तक चले, ठीक है। मैंने कहीं भी एक्चुअल टेबल बेस्ड, जो टेबल में डेटा है, उस तरीके का लूप कहीं भी नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं लूप वो काम करता रहे जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो। तो अब तक तो हमने रियल टाइम सिनेरियो में कह रहे थे कि लाइक बकेट भरती रहे जब तक पानी जाता रहे, तब रुके जब पानी ओवरफ्लो होने वाला हो, या खाना खाते रहो तब रुकना है जब पेट भर जाए, इस तरीके के हमने बिल्कुल लेमैन वाले अपने एग्जांपल किए थे। बट अब रियलिस्टिक पे बात आ गई है, तो रियलिस्टिक में एक्चुअली जो कोड काम करता है वो करता है डेटा पर। कभी भी कोड ऐसे काम नहीं करेगा कि आप खाना खा रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, कोड काम करता है मेरा डेटा पर। डेटा मेरा स्टोर होता है टेबल में, और टेबल से डेटा निकालने के लिए लिखता हूं मैं क्वेरी, राइट। और क्वेरी लिखी जा सकती है एक टेबल पर या मल्टीपल टेबल पर, बेस्ड ऑन 1 कॉलम और मल्टीपल कॉलम, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात आ गई कि अगर किसी क्वेरी से आने वाला डेटा जो भी आ रहा है उस पर मैं रो बाय रो, 1 बाय 1 कुछ काम करना चाहता हूं, तो उस केस के लिए पिक्चर में आता है मेरा कर्सर, ठीक है। एडवांस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बल्क होता है, बल्क कलेक्ट होता है, फॉर ऑल होता है, ठीक है। ये सारी टर्म अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और एडवांस सर में आप अगर सब कुछ सक्सेसफुली करोगे, मुझे फीडबैक ठीक लगेगा, देन आई विल टीच यू कि भैया एडवांस भी मैं आपको बताऊं। बट इनिशियली मैं इनमें से किसी टॉपिक की बात आपके साथ नहीं करने वाला हूं। सिंपल, कर्सर क्या होता है, अगर किसी टेबल से या बेस्ड ऑन सम क्वेरी, बेस्ड ऑन सम डिफरेंट टेबल डेटा आ रहा है मेरा, किसी भी टेबल से या किसी भी क्वेरी से, उस डेटा पे कोई एक्शन अगर मुझे रो बाय रो परफॉर्म करना है, तो उस केस के लिए मुझे हमेशा कर्सर को यूज करना होता है। तो कर्सर का मोटा मोटी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, डेफिनेशन में ना अभी बता रहा हूं, मैंने ना इससे पहले आपको कभी बताई है, मैं रियल टाइम बस आपको यूज केस बता रहा हूं, जो उसका यूज केस है, ठीक है। कर्सर 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट याद रखने के लिए, आपको टर्म बस याद रखवाने के लिए, इम्प्लिसिट को अपने माइंड में जोड़ दो इन से, कि इम्प्लिसिटली बोल रहा हूं तो इन है, कुछ समथिंग कुछ इन हो रहा है। इन मतलब डेटाबेस के अंदर ही जो मेरी चीजें हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन। इम्प्लिसिट मतलब मैं इन से अपने दिमाग में कंटेन करके रखता हूं, आप भी रख सकते हो, कि डेटाबेस में चलने वाला कोई भी काम, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, अगर ये चल रहे हैं, इनके लिए कभी मैं लूप नहीं लिखता हूं। अगर आप गौर करोगे, अगर मैं लिख रहा हूं कि उन एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दो जिनके कमीशन 0 हैं, तो वो क्वेरी ऑटोमेटिकली चलती है विदाउट राइटिंग अ लूप, विदाउट राइटिंग अ कर्सर, बिकॉज ये
इंटरनली इम्प्लीसिट कर्सर को कॉल करता है। भाई फंडा वही है जो मैंने समझा है कि क्वेरी लिखो, क्वेरी से आने वाला डेटा जो आएगा उसको रो बाई रो प्रोसेस करना है तो उसके लिए कर्सर आता है। कर्सर यहां भी यूज हो रहा है इंटरनली, ऐसा नहीं है यूज नहीं हो रहा, बट इम्प्लीसिट कर्सर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑरेकल ये फैसिलेट करता है कि अगर आप ये मेरी डीएमएल कमांड चला रहे हो तो इस पे जो कर्सर, भाई डीएमएल में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं देखो मैं बोल रहा हूं अपडेट कर दो, तो सिस्टम को कहीं ना कहीं ये डिफाइन जरूर करना पड़ रहा है अपने दिमाग के अंदर कि भैया एम्प्लॉय टेबल में मेरे को अपडेट करना है जिन डिपार्टमेंट की नंबर 20 है, तो सिस्टम को ये DEPTNO इक्वल टू कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना तो पड़ रहा है ना कि 20 वाला डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, 5 रिकॉर्ड मैंने पकड़ लिए, तो ये जो कर्सर लिखा उसने अंदर ही अंदर हमें दिखाया भी नहीं, सेलेक्ट में भी कर्सर लिखा हुआ है, कर्सर में देखो कितना डेटा सेलेक्टेड है, सेलेक्ट में भी एक कर्सर लिखा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है और एकल दिखाता भी नहीं है, अपडेट में भी लिखा हुआ है। मैं अगर अपडेट मार दूं कि भैया जिनका भी डिपार्टमेंट 20 है उनका 30 कर दो या 40 कर दो, तो कहीं ना कहीं एक बैच मैंने बनाया अपने दिमाग में कि भैया इतना डेटा सेलेक्ट करो और इस पर अपडेट मराओ मारो एक एक करके, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीसिटली अंदर हो रहा है सिस्टम के अंदर जो हो रहा है ये हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन बैकएंड में सिस्टम के अंदर एक कर्सर चलता है, ठीक है। तो याद रखने भर के लिए इम्प्लीसिट मतलब इन, इन मतलब सिस्टम पे चलने वाली वो क्वेरी, इंसर्ट अपडेट डिलीट या सेलेक्ट कुछ भी हो सकती है, उस केस में इंटरनली सिस्टम एक इम्प्लीसिट कर्सर को कॉल कर रहा है जो दिखता नहीं है, ठीक है। इस चीज को कैसे वेरीफाई करें, इस चीज को कैसे वेरीफाई करें कि साला सिस्टम में चल रहा है भैया कुछ, वेरीफाई कैसे करें, उसके लिए इम्प्लीसिट कर्सर के कुछ होते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कैसे दिखते हैं, एट्रीब्यूट दिखते हैं ऐसे। आप बोल सकते हो हाँ बहुत अच्छा पॉइंट, इम्प्लीसिट कर्सर का नाम क्या होता है, अगर आप बोल रहे हो कि कर्सर चलता है उसका नाम क्या है भाई, बाहर तो अगर मैं कर्सर लिखूंगा जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर एक एग्जांपल बताया जिसपे मैंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो रिकॉर्ड टाइप के साथ कैसे काम करेगा, लेकिन एक कर्सर लिखा कहाँ चला गया, और ऊपर है गया ये कर्सर लिखता हूं उसको एक नाम देना पड़ता है कि भाई कर्सर का नाम बता दे क्या है, यहां बता दिया क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली कर्सर है, मैं फोर्सफुली एक कर्सर लिख रहा हूं, ठीक है। बट अगर आप कह रहे हो इम्प्लीसिट कर्सर होता है तो उसका नाम भी तो होता होगा, बट ऑब्वियस बिल्कुल होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कर्सर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इम्प्लीसिट कर्सर से और एक्सप्लिसिट से टाइप पूछते हैं, लोग रट के जाते हैं कि इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट, बट वो कहते हैं इम्प्लीसिट कर्सर करता कैसे काम है भैया मुझे समझा दो, इसका नाम क्या होता है मुझे बता दो, एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं एग्जाम्पल करके दिखा दो, और लोग फेल हो जाते हैं। तो इम्प्लीसिट कर्सर का नाम होता है SQL, इम्प्लीसिट कर्सर का नाम क्या होता है SQL, तो SQL जो नाम है ये मेरे इम्प्लीसिट कर्सर का ही नाम है, और अगर कोई कर्सर है उसके किसी एट्रीब्यूट का यूज करना है क्योंकि मेरे इसमें क्या कहते हैं इम्प्लीसिट कर्सर में जो एट्रीब्यूट है इनको कैसे यूज करना है, इनको यूज करने का तरीका है ये, कर्सर का नेम परसेंटेज पे पहला एट्रीब्यूट, इनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, रो काउंट ये बताता है कि सेलेक्ट में या इंसर्ट में या अपडेट में या डिलीट में जो सिस्टम ने SQL नाम का एक इम्प्लीसिट कर्सर लिखा उस कर्सर से कितनी रो इंपैक्ट हुई, तो ये बताता है मेरा रो काउंट, ठीक है। इज ओपन, फाउंड, नॉट फाउंड अभी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बात करेंगे जब इनका एक्चुअल यूज आएगा। तो ये चार एट्रीब्यूट होते हैं मेरे, इनको बोलते हैं कर्सर एट्रीब्यूट, नॉट फॉर ओनली इम्प्लीसिट कर्सर, अपने एक्सप्लिसिट कर्सर के साथ में भी आप ये यूज कर सकते हो। यूज करने का तरीका है अपने कर्सर का नाम दो परसेंटेज के साथ में, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट यूज करो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। होते क्या है ये समझते हैं, इज ओपन क्यों यूज में आता है, फाउंड क्यों आता है, नॉट फाउंड क्यों आता है, इनका केवल और केवल ये समझते हैं होते क्या और ये रिटर्न क्या करते हैं। इज ओपन का मतलब है सिंपली बताता है कर्सर ओपन है कि नहीं है, अगर
कर्सर लिखने के मल्टीपल वेज हैं, कर्सर लिखने के और एग्जीक्यूट करने के मल्टीपल वेज हैं जिनमें एट्रीब्यूट यूज होते हैं, उसके अंदर कर्सर का ये एट्रीब्यूट यूज करने के लिए अलग तरीके से कर्सर को कॉल किया जाता है, ओपन किया जाता है, फेच किया जाता है डेटा और क्लोज किया जाता है। तो सिस्टम सिंपली ये पूछता है कि कर्सर ओपन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, कर्सर ओपन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फाउंड का मतलब है कर्सर के अंदर कोई वैल्यू आई कि नहीं आई, अगर वैल्यूज आई तो ये देखो इस तरीके से रिटर्न करता है। कैसे? बिफोर फर्स्ट फैच, मतलब कर्सर अभी चला नहीं है तो बट ऑब्वियस है फाउंड की वैल्यू नल ही होगी, ठीक है। सक्सेसफुली डेटा है कर्सर में, वैल्यू है ट्रू, कर्सर में वैल्यू नहीं है फॉल्स, और अगर कर्सर क्लोज पड़ा हुआ है और आप ये चेक कर रहे हो कि फाउंड या नॉट फाउंड तो इनवैलिड कर्सर का एरर आता है, ठीक है। नॉट फाउंड क्या कहता है? नॉट फाउंड जो ऊपर काम हुआ है जस्ट उसका मेरे को रिवर्स करता है। कैसे? नॉट फाउंड कब बोलता है? बिफोर फैच नल रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है कब? जब रिकॉर्ड फैच हो जाते हैं। ट्रू रिटर्न करता है जब नहीं मिलते, जस्ट ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स, ठीक है। फाउंड है नॉट फाउंड है नाम से समझ में आ रहा है कि जस्ट अपोजिट है। रो काउंट सिंपली बताता है कि कोई भी कर्सर इम्प्लिसिट चल रहा हो या एक्सप्लिसिट चल रहा हो, अगर वो उस तरीके से लिखा हुआ है, तरीका भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप अगर जो एट्रीब्यूट यूज करने का तरीका है कर्सर का अगर वैसे नहीं लिखोगे तो मेरे एट्रीब्यूट काम नहीं करेंगे, और कर्सर को डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। मैं कभी भी अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं कर्सर को कभी भी इस प्रैक्टिस से लिखता ही नहीं हूँ कि मेरे को कभी भी एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत पड़े। मैं सिंपली उसे फॉर लूप के मेथड से लिखता हूँ, आपको भी सिखाऊंगा। अभी आज थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि ये है ही थ्योरेटिकल, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, राइट। कर्सर समझ में आ गया। कर्सर के टाइप दो होते हैं, इम्प्लिसिट को एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल नहीं किया है। कर्सर के एट्रीब्यूट मैंने पढ़ लिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, एग्जाम्पल करेंगे इनका, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होते हैं, सिंपल। इम्प्लिसिट जो सिस्टम ऑटोमेटिकली लिख रहा है, ऑटोमेटिकली चला रहा है, एट्रीब्यूट से पकड़ रहा है, सारा काम खुद कर रहा है। एक्सप्लिसिट मतलब यूजर डिफाइंड कर्सर, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कर्सर लिखा, एम्प्लॉय पे हो, डिपार्टमेंट पे हो, या किसी भी अदर देन दिस टेबल हो उस पर एक लिखा, और लिखने के बाद अपना काम किया, तो उसे एक्सप्लिसिट कर्सर बोल रहे हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर में देखो, यहां पे एक केस उसने बता दिया मेरे को कि कर्सर को लिखने का एक एग्जाम्पल है ओपन फैच और क्लोज, एक तरीका है कर्सर को लिखने का, कर्सर को लिख के यूज करने का, नॉट ओनली लिखने का, कर्सर को यूज करने का एक तरीका है ओपन फैच क्लोज, याद रखना ये टर्म आपको पूछा जाता है, ठीक है। कर्सर को लिखने का ओपन फैच क्लोज हो गया। दूसरा तरीका है फॉर लूप के साथ यूज करना, तो देखते हैं हम किस एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे एग्जाम्पल के साथ बढ़ रहे हैं, ओपन और फेच और क्लोज, तो बजाय कि इस एग्जाम्पल को मैं इस टर्म में समझाऊं आपको, मैं इसको अपने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के हिसाब से मोल्ड कर देता हूं अभी के लिए, सो देट आपको ये, और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत छोटा सा एक कोड लिखेंगे, आपको बस समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहां लेके आया, सबसे पहले लिखेंगे अपने कर्सर का डिक्लेरेशन करेंगे, क्या करेंगे डिक्लेरेशन। हमें हो सकता है बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दे रहे हैं कर्सर को सिंप्लीफाई नेम C1, एक कर्सर दिया, क्या बोल रहे हैं, सिंपली, कॉम्प्लेक्स भी नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल EMP, समझ में आना बहुत जरूरी है एक्चुअली, कुछ नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं, EMP इन्फो, ये एक मैंने रिकॉर्ड टाइप बना लिया। किस टाइप का बनाया, कि कर्सर का जो यूज है इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, सेलेक्ट लेके आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है पूरी एम्प्लॉय टेबल का रो टाइप बन गया ये, आप इसको एम्प्लॉय का रो टाइप मानो या C1 का मानो, कर्सर मेरे कर्सर का नेम क्या है C1, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल बोला ओपन, क्या बोला C1 को ओपन, तो यहां दिया C1 ओपन। कभी भी किसी भी
कर्सर को यूज करने से पहले उसको ओपन करना बहुत जरूरी है। अगर इस मेथड से जा रहे हो, मेथड इज इंपॉर्टेंट, हम जा रहे हैं ओपन फेच और क्लोज के मेथड से, राइट। मेथड इंपॉर्टेंट है, मेथड पे भी ध्यान देना है। एग्जिट किया, यहां से गया सीधे, मैं ये कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये कुछ नहीं करने वाला हूँ, डीव क्रेडिट समथिंग कुछ नहीं, लाइक एग्जिट वैन, ठीक है ये किया। इससे छोटा एग्जाम्पल बनेगा भी नहीं एक्चुअली, अगर हम देखेंगे सी वन सिंटेक्स को समझते हैं क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर। डिक्लेरेशन सेक्शन में सिंपल एक कर्सर बनाया, कर्सर को डिक्लेयर करने का तरीका है, कर्सर लिखो सिंपल, कर्सर का नाम दो, क्या कर्सर का नाम है, तो नेम देना ही होता है हमेशा। इस करते हैं तो मतलब है कौन सी वैल्यूज के साथ वो आने वाला है, तो वैल्यूज वो है जो इंप्लॉय टेबल से आने वाली है, यहां तक कोई डाउट नहीं। एक मैंने अपना क्या नाम है रिकॉर्ड बनाया, किस टाइप का, सी वन कर्सर के रो टाइप का, ये मेरा वेरिएबल हो गया एक तरीके का, सॉरी ये मेरा डेटा टाइप हो गया और ये मेरा वेरिएबल हो गया, बन गया, यहां तक भी कोई डाउट नहीं। ओपन करने जा रहा हूं, कर्सर को ओपन किया, मैं कह रहा हूं कर्सर को ओपन करो, मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, तो कर्सर को ओपन किया, क्योंकि ओपन फेच और क्लोज के मेथड से आगे बढ़ रहे। अब बोला लूप चलाते रहो, लूप चलाते रहो कब तक, जब तक C1 से आने वाली वैल्यूज खत्म हो जाए, एग्जिट कराए तब कितनी वैल्यूज है 8, ये लूप चलता रहे तब तक जब तक मेरा नॉट फाउंड, C1 नॉट फाउंड ना हो जाए, नॉट फाउंड ट्रू ना हो जाए। नॉट फाउंड ट्रू कब होगा, नॉट फाउंड ट्रू होगा मेरा तब जब मेरे कर्सर की लास्ट रो कंपाइल हो जाएगी, लास्ट रो फेच हो जाएगी, जब वो नाइन्थ रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेगा, कितनी रिकॉर्ड है 8th, जो वो नाइन्थ रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेगा तब सिस्टम बोलेगा कि भैया मेरे पास डेटा नहीं है। तो नॉट फाउंड जो एट्रीब्यूट है कर्सर का, यूज करने का तरीका भी देखो, सी वन परसेंटेज नॉट फाउंड, तो सी वन परसेंटेज नॉट फाउंड मेरा ट्रू हो जाएगा, तभी के तभी एग्जिट हो जाए। करना क्या है वो भी समझते हैं। ओपन देख लिया, एग्जिट देख लिया, लूप देख लिया, जब सारा काम हो जाए तो मैं बोलता हूं क्लोज भी कर दो, अननेसेसरी एक डेटा टाइप को ओपन करके रखना इज नॉट ए लॉजिकल, तो मैं अपने कर्सर को क्लोज भी कराता हूं। अब बारी आती है यहां पर DBMS, यहां पे ये किया क्या करवाना चाहता हूं, मेरा ये एक रिकॉर्ड टाइप है, इससे मैं कहता हूं कि मुझे सिंपली आप दो एम्प्लॉय नंबर, सिंपली नेम और सैलरी का डेटा मुझे दे, तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा डॉट ई नेम, लिखा आ गया, पाइप लगाया सिंपली कोलन लगाया, ये लगाया और एक और पाइप लगाया, सिंपली फिर से लिखा डॉट सेल लिखते हैं, सिंपल बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर दो सेल दो, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड टाइप का एक वेरिएबल है, तो रिकॉर्ड टाइप का रो टाइप का हो या रिकॉर्ड टाइप का ही वेरिएबल हो, कस्टम रिकॉर्ड टाइप का, लिखने का तरीका यही है इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है, क्या ये वैल्यू यहां पे कैसे आएंगी, ये वैल्यू यहां पे आएंगी जब मैं इसके अंदर वैल्यू लूंगा, तो लूं कहां से, कॉपी लिया है तो टाइप बना हुआ है, यहां पास करूंगा इनटू में, गौर से देखो, फेच करो C1 को, C1 का डेटा फेच करो, लूप चल रहा है तो बट ऑब्वियस है एक एक करके फेच करेगा, गौर से समझो लूप चल रहा है, लूप कभी भी सारे डेटा को नहीं पकड़ता है, लूप मतलब काम करते रहो जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो। काम किस पे करना है, काम करना है जो कर्सर C1 ओपन किया उस पे, फेच करना है कहां से, C1 से, इनटू में क्या डालना है, इनटू में डालना है वो रिकॉर्ड टाइप जो कर्सर टाइप का बनाया है। अब इस वैल्यू को सिंपली मैं यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका एक जो हो सकता है मेरा, वो मैंने यहां किया है, कंट्रोल ए किया, ये चला दिया, पीएल सीक्वल अनोनमस ब्लॉक सक्सेसफुली कंप्लीट, वैल्यूज आ गई नीचे, गौर से देखो कितनी आई है, 9 जितनी भी मेरी वैल्यूज थी सारी की सारी आ गई, ठीक है। मिलर गौर से देखो, यहां पे फिर से वही वाली बात है, मैंने लूप को एग्जिट कब किया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज थी मेरी टेबल में 8, लेकिन 9 बार प्रिंट हुआ है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने प्रिंट कराने के बाद एग्जिट कराया है, और यहां से दो चीजें वेरीफाई होती है मेरी, क्या, एक और चीज कर लेते हैं यहां पे, अगर आपको समझाने भर के लिए, डी पहले जब मेरा 8th रिकॉर्ड पे आया होगा, जब मेरा 8th रिकॉर्ड पे आया होगा तब ये कंडीशन फॉल्स रही होगी, फॉल्स, और 8th कंडीशन पे उसने प्रिंट किया होगा ये, जब 9th कंडीशन के लिए लूप गया दोबारा से,
उसने यहां से कुछ नहीं मिला, नाइन्थ के टाइम पे इसे यहां से कुछ नहीं मिला, लेकिन इस वेरिएबल में तब भी एक वैल्यू स्टोर थी। कौन सी वाली? जो लास्ट मेरी अभी चली थी। कौन सी चली थी? एट्थ नंबर लाइन की। तो वो इसने फिर से प्रिंट की, और अब की ये नाइन्थ वाले टाइम पर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तब जाके ये दो बार वैल्यू प्रिंट हो गई। इन्हीं चीज़ों का ध्यान एक कोडर, एक टेस्टर, एक डेवलपर रखता है कि मेरे सिस्टम में बग कहीं ना रह जाए, जबकि ये बग है। तो इस बग को मैं कैसे फिक्स करूँगा? इसको फिक्स करूँगा कि करने वाली जो भी मेरी स्टेटमेंट है, लाइक लाइक लेट से ये काम था जो मुझे करना था इस कर्सर से, इसको मैं लिखूंगा उसके बाद में कि एग्जिट करे प्रॉपरली उसी टाइम पे जब उसे करना है, उसके बाद स्टेटमेंट को रन करे। मतलब जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है जिस भी टाइम, उस टाइम मेरे डीबीएमएस आउटपुट को प्रिंट करे। फर्स्ट टाइम में कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब ये फॉल्स रहेगा एक तरीके से, तो वो प्रिंट करेगा। दूसरे में भी ये जब वो नाइन्थ वाली रो के लिए आएगा तब ये फॉल्स हो जाएगी, तब वो इसे प्रिंट नहीं करेगा बल्कि यहीं से ही एग्जिट कर जाएगा लूप के बाहर। चला के देख लेते हैं भाई। ये किया, ये किया, ये चला दिया सक्सेसफुली। अब की देखो एट्थ रिकॉर्ड है, नाइन्थ है नहीं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट जो एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसको मैं यहां से उठा के, एग्जाम्पल एक एक चीजों के आपके पास दो दो तीन तीन है, तो इसको यहां उठा के मैं आपके हेल्प के लिए यहीं पे पेस्ट करता हूं। ओपन फेच क्लोज का तरीका समझ में आ गया मेरे ख्याल से।